हेलो एवरीवन, वेल्कम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। दिस इज़ द साइंस सीरीज फॉर क्लास सिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस के चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग की एक्सरसाइज यानी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ हैबिटेट, यानी हैबिटेट किसे कहते हैं। द सराउंडिंग वेयर एनिमल्स लीव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, यानी किसी भी एनिमल्स की जो सराउंडिंग होती है उसे हम उसका हैबिटेट बोलते हैं। सराउंडिंग की मीनिंग है उसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स और ऑर्गेनिज्म रहते हैं। चलिए इस फिगर के द्वारा हैबिटेट्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। हैबिटेट्स का मतलब है किसी भी एनिमल्स का नेचुरल होम। इस फिगर को देखें तो ये रैबिट का हैबिटेट है। ये पूरी लाइफ मिट्टी के अंदर होल बना करके रहता है और इसके चारों तरफ की सराउंडिंग या एनवायरनमेंट इसका नेचुरल हैबिटेट है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर बॉडीज़ के पास अपना नेस्ट बना करके पूरी लाइफ गुजार देते हैं, तो ये वाटर बॉडीज़ और उसके आसपास की सराउंडिंग इस तरह के एनिमल्स का हैबिटेट है। इसी तरह से अगर फ़िश की बात करें तो ये सारी फ़िश एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं जो कि पूरी लाइफ वाटर के अंदर गुजार देती हैं। ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को इसी वाटर के सराउंडिंग से पूरा करती है, इसलिए फ़िश या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनका हैबिटेट वाटर बॉडीज़ हैं। इस तरह से कुछ प्लांट्स या फ्लावर्स हैं जो वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, इसलिए इनका हैबिटेट भी वाटर है। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे कि पोलर बियर। इसके चारों तरफ की सराउंडिंग ही इसका हैबिटेट है। ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स इसी हैबिटेट से पूरा करता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ग्रास लैंड में रहते हैं और अपनी सारी रिक्वायरमेंट को इसी ग्रास लैंड से पूरा करते हैं, इसलिए ये ग्रास लैंड इनका हैबिटेट है। इसी तरह से अगर बर्ड की बात करें तो सभी तरह की बर्ड्स अपनी पूरी लाइफ ट्री पर गुजारती हैं या उसके आसपास गुजारती हैं, तो इसका हैबिटेट ट्री का और ट्री और उसके आसपास का पूरा एरिया है। इस तरह से हमने देखा कि हैबिटेट किसी भी एनिमल्स का नेचुरल सराउंडिंग या एनवायरनमेंट है जिसमें वो अपनी सारी लाइफ गुजारता है या जीवित रहने के लिए सर्वाइव करता है, और इसी सराउंडिंग से वो अपनी सारी लाइफ की नीड को फुलफ़िल करता है, वो चाहे फूड हो, एयर हो, शेल्टर हो या लाइफ की अदर रिक्वायरमेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर कैक्टस अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन आर डेजर्ट, यानी कैक्टस के प्लांट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसने डेजर्ट में क्या अडॉप्ट किया है अपने आप को जीवित रखने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। इस आंसर को समझने से पहले चलिए अडाप्टेशन को समझ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स एग्जिबिट पार्टिकुलर फीचर्स दैट एनेबल्स देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, सच फीचर्स आर नोन एज अडाप्टेशन। यानी अडाप्टेशन एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें लिविंग बींग्स यानी प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के हैबिटेट, सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए या फिर जीवित रहने के लिए अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस करते हैं या उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करते हैं। कैक्टस आर अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट एज दे हैव फॉलोइंग फीचर्स। इसी तरह से कैक्टस ने भी डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स को अडॉप्ट किया है या इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। नंबर 1, इट्स लीव आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपीरेशन। हम जानते हैं कि हर प्लांट में ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर का लॉस होता है। कैक्टस प्लांट अपनी लीफ को इस तरह से स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेती है जिसके कारण इसके प्लांट से ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर का लॉस कम से कम होता है। 2, स्टेम्स इज मॉडिफाई इन सच अ वे दैट इज परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड कंजर्व वाटर। इसका स्टेम काफ़ी थिक होकर के वाटर को स्टोर करने का काम करता है जिससे ये आसानी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी परफॉर्म करता है और वाटर को भी कंजर्व करके रखता है। नंबर 3, देयर रूट्स गो वेरी डीप इनटू द सॉयल फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर। इसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप नीचे तक जाती हैं जिससे डेजर्ट में जो वाटर की कमी है उसको ये आसानी से पूरी कर सकें और डीप सॉयल से वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल्स अ प्लांट आर एन एनिमल्स टू लीव इन पार्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड द। अभी आपने पढ़ा कि कोई भी एनिमल्स या प्लांट अपने सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए अपने बॉडी में कई तरह के चेंजेस करते हैं जिससे वो
उस एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग में जीवित रह सकें। तो यहाँ पर आंसर होगा अडॉप्टेशन। सेकंड, बी, द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड आर कॉल्ड, यानी प्लांट्स और एनिमल्स का ऐसा हैबिटेट जो कि लैंड पर होता है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट थ्री टाइप्स के होते हैं, डेजर्ट क्योंकि वहाँ पर भी लैंड है, माउंटेन वहाँ पर भी लैंड है, और ग्रास लैंड वहाँ पर भी लैंड है। इसलिए प्लांट और एनिमल्स अगर लैंड पर सर्वाइव करते हैं जीने के लिए तो उनके हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। सी, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड, यानी ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं उनके हैबिटेट्स को क्या बोलते हैं। तो एक्वा मीन्स वाटर होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा एक्वेटिक हैबिटेट। डी, सॉयल वाटर एंड एयर आर द फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। किसी भी हैबिटेट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर या कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर फैक्टर्स। जब हम प्लांट और एनिमल्स की बात करते हैं तो उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर्स बोलते हैं, और जब हम सॉयल वाटर और एयर की बात करते हैं तो उसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा अबायोटिक फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर सॉयल वाटर एंड एयर की बात की जा रही है। ई, चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड, यहाँ पर आंसर होगा स्टिमुली। स्टिमुली का मतलब होता है कि प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी में अचानक से सेंसेशन होना यानी उत्तेजित होना। जैसे प्लांट की बात करें तो टच मी नॉट या छुई मी पर जब ज़रा सी वाटर की ड्रॉप पड़ जाती है या हम उसे टच कर देते हैं तो उसकी लीफ क्लोज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ये लिस्ट दी हुई है इनमें से कौन सी थिंग्स नॉन लिविंग हैं। चलिए पहले लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को समझ लेते हैं। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे दे रिस्पायर यानी ये रिस्पिरेशन करती हैं, जिसके बदले में ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। दे मूव यानी इनमें मूवमेंट होता है। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करती हैं। रिप्रोड्यूस, अपने जैसा न्यू यंग वन को बर्थ करती हैं, ग्रो करती हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी तरह का रिस्पिरेशन नहीं करते, उनमें किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता, स्टिमुली को रिस्पॉन्स नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते, ग्रो नहीं करते और अपने आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होते हैं। इसके आंसर को आप इनके फिगर्स के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिविंग थिंग्स की। ये है मशरूम, जो कि एक लिविंग थिंग्स है। बारिश के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा वॉल पर या किसी पेड़ पर ये अपने आप ग्रो हो जाता है। ये है वाटर हाइसिंथ, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है। और ये है अर्थ वॉर्म, जो कि आपको बारिश के मौसम में गीली जगहों पर दिखाई देता है। यानी ये तीनों थिंग्स लिविंग थिंग्स है। ये प्लाउ है जो कि वुडन का बना होता है और खेत को जोतने के लिए यूज़ किया जाता है। ये है स्विमिंग मशीन जो कि मेटल की बनी हुई होती है। ये है बोट जो कि वुड का बना हुआ होता है। और ये है रेडियो जो कि प्लास्टिक का बना होता है। इनमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं जो कि एक लिविंग बींग्स में होते हैं। यानी आंसर है प्लाउ, स्विंग मशीन, रेडियो एंड बोट। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स विच शोज़ एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ पे आपको एक ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताना है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग्स की तरह होती हैं। आंसर इज एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स इज क्लाउड विच शोज़ फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यहाँ पे क्लाउड का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें दो लिविंग थिंग्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। नंबर 1, इट ग्रो इन साइज, यानी क्लाउड का साइज़ इंक्रीज होता है या ग्रो होता है। और सेकेंड, इट शोज़ मूवमेंट, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाउड एक लिविंग थिंग्स है, ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इस आंसर में आप व्हीकल्स का भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्योंकि व्हीकल्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है और इसे भी मूव करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स वेयर वंस पार्ट ऑफ आर लिविंग थिंग्स, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई हैं उसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी थिंग्स लिविंग थिंग्स के पार्ट्स हैं।
चलिए सबसे पहले बटर की बात करते हैं। बटर हमें मिल्क से मिलता है और मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, यानी ये एक लिविंग थिंग्स का प्रोडक्ट है। वुड की बात करें तो ये हमें ट्री से मिलती है, यानी ये भी लिविंग थिंग्स का पार्ट है। लेदर हमें एनिमल्स की स्किन से मिलता है, यानी ये लिविंग थिंग्स का पार्ट है। वूल हमें फर ऑफ एनिमल से मिलता है, ये भी लिविंग थिंग्स का प्रोडक्ट है। कुकिंग ऑयल हमें प्लांट से, प्लांट के फ्रूट से, फ्लावर से एंड सीड से मिलता है, इसलिए कुकिंग ऑयल भी लिविंग थिंग्स का पार्ट है। और एप्पल की बात करें तो ये भी हमें प्लांट से मिलता है, यानी बटर एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिलती है। लेदर ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि हमें एनिमल से मिलती है। वूल एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि हमें एनिमल से मिलता है। कुकिंग ऑयल भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि प्लांट से मिलता है। एप्पल हमें प्लांट से मिलता है और रबर भी हमें प्लांट से मिलता है। इस तरह से हमने देखा कि बटर, लेदर, वूल, कुकिंग ऑयल, एप्पल एंड रबर आर द नॉन लिविंग थिंग्स विच वेयर वंस पार्ट ऑफ अ लिविंग थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आ लिविंग थिंग्स। यहाँ पे मेन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर दे नीड फूड, यानी कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसे फूड की आवश्यकता होती है। रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, वो अपने आसपास के सराउंडिंग या फिर इन्वायरमेंट पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मूवमेंट, उनकी बॉडी में मूवमेंट होते हैं या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। रिप्रोडक्शन, वो अपनी तरह से न्यू यंग वन को बर्थ करते हैं। रिस्पायर, वो सांस लेते हैं। एक्सक्रीशन, उनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल डाइजेशन के बाद बचता है उसे बाहर निकालते हैं। और ग्रोथ करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि एक लिविंग बींग्स में डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नंबर 1, दे नीड फूड, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल्स दैट लीव हेयर। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ग्रासलैंड में सर्वाइव करने वाले एनिमल्स को वहाँ ज़िंदा रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए स्पीड की आवश्यकता क्यों होती है। आंसर इज, इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स देयर आर फ्यू ट्रीज आर प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड। ग्रासलैंड में या ग्रासलैंड हैबिटेट में बहुत कम ट्रीज या प्लेसेस होती हैं एनिमल्स के छिपने के लिए या अपने आप को हाइड करने के लिए। व्हेन देयर एनिमी अटैक दे हैव टू रन फास्टर सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस। जब कोई एनिमी उन पर अटैक करता है यानी शिकार करता है तो उन्हें बहुत तेज़ी से फास्ट स्पीड में रन करना पड़ता है ऐसे प्लेसेस पर पहुंचने के लिए जहां पर वो अपने आप को सेफ कर सके। इफ़ दे फेल, अगर वो रन नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं तो दे लॉस देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ को खो देते हैं यानी उनकी डेथ हो जाती है। सो द स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रास लैंड एनिमल्स, इसलिए ग्रास लैंड में रहने वाले एनिमल्स के लिए स्पीड का होना बहुत आवश्यक है जिससे वो वहाँ सर्वाइव कर सकें और अपनी लाइफ को बचा सकें। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।